क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। टीम इंडिया में सिलेक्शन को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं और अब इस बीच टेस्ट टीम के उपकप्तान और हमेशा कम बोलने वाले अजिंक्य रहाणे ने अपना मुंह खोला है, जिसके बाद बड़ा तूफान भी आ सकता है। तो रहाणे के खुलासे पर आप भी कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। वर्ल्ड कप से ठीक पहले रहाणे ने कई खुलासे किए हैं। रहाणे ने कहा कि वो कम बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा खेल भी कम आक्रामक है। मैं उतना ही आक्रामक हूँ जितना कोई और बल्लेबाज, और मैं खुद जवान से नहीं बोलता जबकि मेरा बल्ला बोलता है। रहाणे ने यह भी कहा कि अब तक मैं चुप था, मैं चयनकर्ताओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन अब वर्ल्ड कप के लिए टीम चुने जाने का वक्त है और मैंने अब बोलना ही बेहतर समझा, क्योंकि बगैर बोले यहाँ काम नहीं होता। रहाणे ने कहा कि मैंने वनडे और टी20 में लगातार अच्छा खेल दिखाया, लेकिन फिर भी मुझे बाहर कर दिया गया जबकि मेरा औसत कई अन्य खिलाड़ियों से बेहतर था, मुझे तब भी बुरा नहीं लगा। रहाणे ने कहा कि इसके बाद मैंने घरेलू मैचों में लगातार रन बनाए और मुझे नहीं चुना गया, लेकिन मुझे तब भी बुरा नहीं लगा। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि कई खिलाड़ियों को लगातार फ्लॉप होने के बाद भी मौके मिल रहे हैं, लेकिन मैं जिन मौकों का हकदार था मुझे नहीं मिले। रहाणे का साफ साफ इशारा केएल राहुल की तरफ था, जिन्हें लगातार फ्लॉप होने के बाद भी मौके पर मौके मिलते जा रहे हैं। रहाणे अब भी टीम मैनेजमेंट पर पूरा भरोसा जता रहे हैं और उन्होंने खुद को मौका देने की मांग की है और कहा कि अगर मैं फ्लॉप हो जाऊं तो फिर मुझे बाहर कर दो। तो आपको क्या लगता है, क्या रहाणे के साथ नाइंसाफी हुई और राहुल को ज्यादा मौके मिले? कमेंट जरूर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।